डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, मेरा नाम शिवम पुरी है और आज हम यूनिट 4 का लेक्चर 3 आपके लिए आए हैं। और आज का टॉपिक है हमारा व्हाट इज द वैल्यू सिस्टम इन रिटेल स्टोर एंड व्हाट आर इट्स इंपॉर्टेंस। तो आज हम शुरू करेंगे कि वैल्यू सिस्टम क्या है एक रिटेल स्टोर के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वैल्यू सिस्टम होता क्या है। तो वैल्यू सिस्टम होता क्या है, इट्स अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम रूल्स की बात कर रहे हैं। हर एक स्कूल के अंदर आपको पता है कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, इसको हमको फॉलो करना पड़ता है। और ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो प्रिंसिपल है ये आपके स्कूल के प्रिंसिपल्स नहीं है, ये प्रिंसिपल्स है सिद्धांत। ओके, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि वैल्यू सिस्टम क्या है, कि रिटेल स्टोर के अंदर क्या है, आपके कुछ सेट एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे स्कूल के अंदर कुछ रूल्स होते हैं जिनको आप ब्रेकअप नहीं कर सकते हैं, जैसे कि स्कूल से आप भाग नहीं सकते हैं, ठीक है, बंक नहीं मार सकते हैं, ठीक है, एक रूल सेटअप है, आपको यूनिफॉर्म में आना पड़ेगा, इन टाइम आना पड़ेगा और 3 बजे या 4 बजे भी आपका टाइम है उस टाइम पे आप लोग अपने घर जाएंगे। ठीक है, तो देयर आर सेट ऑफ रूल्स एंड द प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो अब जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वैल्यू सिस्टम इन रिटेल स्टोर की, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी कुछ सेट ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल होते हैं। जहां पर आप काम कर रहे हो वहां पर भी कुछ रूल्स हैं, वहां के भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं, तो आपने उनको ब्रेक नहीं करना है। करना है तो जैसे स्कूल में एडमिशन मिलती है वैसे ऑर्गेनाइजेशन एडमिशन मिलेगी, हो सकता है आपकी जॉब भी जा सकती है, राइट। ठीक है, तो अब इसके इंपॉर्टेंस क्या है, फायदे क्या है, देखो किसने ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए हैं सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, ठीक है, वैल्यू सिस्टम है तो उसका फायदा क्या है। तो वैल्यू सिस्टम का फायदा यह है कि अट्रैक्ट्स द एम्प्लॉई, एम्प्लॉई को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सेट ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल्स होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे। मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रूल्स और प्रिंसिपल्स है कि 5 डे वर्किंग है, वीकेंड्स 2 डेज ऑफ है, तो बताओ आप सब उसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करोगे ना, कि हाँ 2 दिन की छुट्टी एंजॉय करेंगे, तो अट्रैक्ट हुआ ना वहां पर, उसके सेट ऑफ रूल्स हैं। आप लोग या मान लो जो सैटरडे के अंदर आप सिविल ड्रेस या कोई भी अपना आउटफिट में आप आ सकते हो, तो अगेन आपको वो चीज अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, हो सकता है कि प्रमोशंस की उसकी वहां पर उनके अलग सेट ऑफ रूल्स हो, ठीक है, प्रमोशंस कैसे मिलती है वहां पर, कैसे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे इस तरीके से, ठीक है, ताकि आपको भी आगे ग्रोथ मिले, राइट। बात करते हैं हम सेकंड पॉइंट की, ठीक है, ये हो गया अट्रैक्ट्स और इंप्लाई। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, टेल्स द वर्किंग एनवायरमेंट ऑफ द रिटेल स्टोर। अभी जो बात कर रहा था मैं वो टाइप की आपकी एनवायरमेंट की बात ही कर रहा हूं मैं, क्यों, क्योंकि एक एनवायरमेंट होता है जहां पर हम काम कर रहे हैं, अगर वहां बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस होगी, बाउंडेशंस होंगी, तो आपको ऐसा लगेगा हमारा दम घुट रहा है। ठीक है, तो वहां पर ऐसे सेट ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल्स वहां पर होंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहां पर आप काम करना चाहोगे, मुझे नहीं लगता आप काम करना चाहोगे, है ना, क्यों, क्योंकि वो आपको अट्रैक्ट नहीं कर रहा वहां पर, है ना, क्योंकि आप वहां पर आपको लगेगा कि यहां पर तो हम फंस चुके हैं, राइट। सो इट टेल्स द वर्किंग एनवायरमेंट इन द रिटेल स्टोर, और आपको बता रहा है वो एनवायरमेंट क्या आपका, तो आपको ये जरूर बता रहा है वो क्या, कि उस ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है और उसका मिशन क्या है। ठीक है, क्योंकि वैल्यू सिस्टम, देखो वैल्यू सिस्टम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है, तो कोई भी कंपनी है, ठीक है, जो अपना एक वैल्यू सिस्टम बता रही है, सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल बता रही है अपने, वो तो जो रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हैं उसके, ठीक है, वो डिफाइन कर रहे हैं कि हमारा गोल क्या है और मिशन क्या है। हम आने वाले समय में हम एक MNC बनेंगे, हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज होगी, हम जगह जगह अपने प्लांट्स खोलेंगे, ठीक है, वी विल बी इनटू द मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ कंपनीज। तो जो ऐसी कंपनी होगी, उस कंपनी में अगर आप काम करना चाहोगे तो आपकी तो ग्रोथ होगी ना। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा टॉपिक था, ठीक है, वैल्यू सिस्टम इन रिटेल स्टोर और उसके इंपॉर्टेंस क्या है। आई होप आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। थैंक यू।